मैं हूँ इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गुरुवार की रात 12 बजे से ही केमिस्ट जो है स्टोर जो है बंद किए गए हैं, उनकी ऑनलाइन जो दवाइयां बिक्री की जाती है उनके विरोध में यहां आज़ाद मैदान में एक धरना प्रदर्शन किया गया है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। सर आपका अनिल नावंदर, मैं महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। सरकार को हमने बताया कि MTP किट जो गर्भपात की दवा है ये खुलेआम ऑनलाइन पे बेची जा रही। हमारी सरकार से विनती है कि 8.5 लाख दवा विक्रेता पूरे देश में है और अपने प्रदेश में 60 से 70 हज़ार दवा विक्रेता है। ये दवा विक्रेता उन पे अवलंबित आश्रित रहने वाले परिवार और उनके या जो काम करते वो कर्मचारी ये परिवार ऐसे सारों की जिंदगी का, तो ये सरकार सबका साथ सबका विकास करना चाहती है। या बात ये आती है कि जो ऑनलाइन दवाइयाँ बिक्री की जा रही है उन पर जो है छूट ज़्यादा मिलता है, जो मेडिकल से ली जाती है उन पर छूट ज़्यादा नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं जनता इसके हिसाब से भी जो है ऑनलाइन की शॉपिंग करती है। देखो, एक मोबाइल पे छूट मिलना और दवा पे छूट मिलना, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। दवा आपका कहने का मतलब है कि जो दवा ऑनलाइन से बेची जाती है वो दवा में और जो मेडिकल स्टोर पे दवा मिलती है उस दवा में कुछ अंतर है क्या? नहीं, अंतर ये हम ऐसा नहीं बोल सकते अंतर है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा हो सकता है। इसका रीज़न है, अभी 8-10 दिन पहले CNBC पे आया कि दिल्ली में बहुत सारे गोडाउंस रेड हुए जिसमें नाइक के जूते बीते इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ये सारी डुप्लीकेट मिली, तो कल दवा भी डुप्लीकेट आएगी। आज भी आ रही नहीं आ रही किसी को पता नहीं। ये ऑनलाइन बिजनेस होने के बाद जो हमारे रिटेलर है आज वो इतनी सेवा दे रहे हैं, दिनों रात काम कर रहे हैं, ये ऑनलाइन वाले जो मलाई मलाई का काम है वो लेके जाएंगे, ये हमारे गांव का खेड़े में कैसे पहुँचेंगे? हमारे लोगों ने इतना देश का लोगों का स्वास्थ्य अच्छी तरह रखा है। तो पहले हमने रोटी को रोगों तक पहुँचाया है क्या, फिर होता है कपड़ा, वो रेगुलेटेड मार्केट है क्या? आज एक आपको 20 रुपये में भी शर्ट मिलता है, 2000 रुपये में भी शर्ट मिलता है। मकान कोई 200 रुपये से स्क्वायर फुट से मकान, कोई 200 रुपये स्क्वायर फुट से मकान देता है, कोई 20,000 रुपये स्क्वायर फुट से देता है, कोई 80,000 रुपये स्क्वायर फुट से देता है, तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जो 3 चीज़ें मूलभूत सुविधा है एक आदमी को ज़िंदगी जीने के लिए होती है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों चीज़ें अगर रेगुलेशंस में नहीं है तो चौथी चीज़ मेडिसिंस, इसके ऊपर इतना रेगुलेशन क्यों? इसके ऊपर सरकार ने जो भी एक कायदा पास होता है तो उसके पीछे का अपनी सोच रखनी चाहिए कि ये समाज की ज़रूरत के हिसाब से कायदा बनना चाहिए। आज किसी भी सामाजिक लोगों ने जाके उधर प्रोटेस्ट नहीं किया है कि हमको ऑनलाइन दवाई चाहिए। आज देश के 8 लाख फार्मासिस्ट और एलाइड बिजनेसेस से लेके करीबन हम 1.5 करोड़ लोग एक संगठना से जुड़े हुए हैं। इन सब लोगों के ऊपर आज आप, और ये सब इनकम टैक्स पेइंग लोग हैं, आज अब सरकार के एक छोटा सा अंश, हिंदुस्तान का एक छोटा सा अंश आज इनकम टैक्स पे कर रहा है। ये सभी लोग आज जो इधर है, इनके परिवार और इनके दुकान के लोग, ये सभी लोग आज इनकम टैक्स भरने वाले लोग हैं। तो ये सब जो दवाइयाँ मेडिकल पे सिर्फ पर्ची दिखाने पर मिलती है वो दवाइयाँ ऑनलाइन जो है मार्केट पे मिल जाती है ऐसे पर्चियाँ? और दूसरी तो सरकार ने ये भी बात की है अभी कि ऑनलाइन में समझो कि हम नारकोटिक्स ड्रग्स जो आज पर्चियों पे ही मिलते हैं वो बाद में नहीं मिलेंगे, तो हमारे दोस्तों की जो दुकानें यहाँ सब है वो सिर्फ क्या नारकोटिक ड्रग्स बेचने के लिए? बाकी आप मलई किसी दूध कोई और उबाले और मलई कोई और खाए, ऐसा होता है? आज एक प्रिस्क्रिप्शन लेके ऑनलाइन में उसको सब्स्टिट्यूट करने का कितना सारा गलत चीज़ें हो सकती है। इंडियन ड्रग एंड फार्माको ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये सब बताता है कि आज एक प्रिस्क्रिप्शन सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। प्रिस्क्रिप्शन आज एक डॉक्टर ने एक दवाई लिखी हुई और वो ब्रांड सब्स्टिट्यूट नहीं करना, ये कायदे में लिखा हुआ है। आज हमारे सब केमिस्ट भाई ये सब कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले बिंदास बेझिझक कुछ भी करते, झूठे डॉक्टर का नाम लिखते, झूठे पेशेंट का नाम लिखते हैं। कोई कोई फार्मेसीज के मैंने खुद अपने आंखों से देखे हुए बिल्स है कि उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर नीचे जो पर्ची मिलती है, बिल मिलता है, उसके ऊपर स्टैम्प मारा हुआ है। ये किस हद तक जा रहे हैं ये लोग? जो रिटेल केमिस्ट को लागू है वो ऑनलाइन फार्मेसी को भी लागू है, मगर उनका पालन नहीं होता है। हर केमिस्ट में उसके मालिक के साथ फार्मासिस्ट और दूसरे हर जाति धर्म के लोग काम करते हैं, उनके परिवार उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जो ऑनलाइन फार्मेसी में जो भी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करके जाता है, कुरियर के माध्यम से दवा आती है, उसका मिसयूज़ बहुत हो रहा है। और अगर ऐसा होते गया तो ये जो लोग है, जनता है, उसमें एक भयानक जो है घटना घट जाएगी, हर दवाई का मिसयूज़ हो जाएगा। सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे केमिस्ट हैं
जो सुबह से शाम तक 12-12 घंटे हम खड़े के मेहनत करते हैं, अपने खून का पसीना करते हैं, उनकी तरफ ध्यान दे। तो जैसा कि आपने सुना कि जो इन लोगों ने बताया, जो यहाँ पर धरना आंदोलन कर रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि जो भी ऑनलाइन मार्केट से मतलब दवाइयाँ भेजी जाती हैं वो जो है पूरी तरह से जो है एक खाने के पूरी तरह से जो है गलत है, उनकी कोई भी जो है जाँच पड़ताल नहीं की जाती उस दवाई की कि वो दवाई असली है या नकली है, साथ ही उन दवाइयों का क्या कहाँ से वो दवाई आ रही है, वो दवाई कहाँ पर बनती है, इस बारे में किसी को पता नहीं रहता। और मेडिकल जो स्टोर्स वाले हैं वो लोगों का साफ कहना है कि जो दवाइयाँ जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं कि जो डॉक्टर के स्लिप के अनुसार ही दी जा सकती है, वो दवाइयाँ भी ऑनलाइन मार्केट पर जो है खुलेआम मिलता है। जो कॉलेज में पढ़ते स्टूडेंट हैं वो भी जो है उस दवाइयों को मंगा कर नशे के तौर पर जो है इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसलिए इन लोगों ने आज यहाँ पर आंदोलन किया है और सरकार से मांग की है कि जो ऑनलाइन मार्केट में दवाइयाँ बिक्री की जाती हैं इन पर जो है तत्काल रोक लगाई जाए। प्रहार टाइम्स के लिए इस्लामुद्दीन खान, मुंबई।